हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल शिवीज लाइफ स्टाइल। आज मैं आपको लेके चलती हूँ अमेरिका के सुपरमार्केट में और देखते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की क्या प्राइजेस होती हैं और क्या क्वालिटी में क्या वैरायटी हमें मिल जाएगी। तो जैसे अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे ब्लैकबेरीज, रेसबेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और अदर बेरीज अभी अवेलेबल हैं और उनके प्राइस अप्रॉक्स 300 to 400 INR में अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स इतनी मिलती है। थोड़ा बहुत वेरी करेगा अगर आप ऑर्गेनिक लेते हो तो। सो फ्रेंड्स, जनरली हम जैसे इंडिया में कुछ लेते हैं तो ग्राम्स या किलोग्राम में आता है, बट यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको LB या फिर आउंस में मिलेगी। अगर कोई बहुत कम क्वांटिटी में है तो वो पर आउंस आपको मिलेगी या फिर LB में मिलेगी। 1 LB 450 ग्राम्स के बराबर होता है। तो जब भी आप कोई चीज़ लेने जाते हो, जैसे अभी हम इस वीडियो में जो स्टिकर्स देखने वाले हैं प्राइस के, उसमें आपको जो प्राइजेस हैं वो पर LB मेंशन होगी, लाइक $2.49 या $1.99। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हो 1.99 एप्पल, $1.99 पर LB मेंशन है। ये ग्रैनी स्मिथ एप्पल है, फूजी एप्पल, NVM एप्पल, गाला एप्पल। तो अप्रोक्स जैसे अभी ही मुझे यहाँ पे 5 to 6 टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट एप्पल्स दिख रहे हैं। उनकी प्राइजेस वेरी करती है, आपको जो भी चाहिए आप पर पीस भी पिक कर सकते हो और बाद में बिलिंग के वक्त वो उसका जो भी वेट LB में आएगा उसके हिसाब से हमको पे करनी पड़ती है। क्वालिटी वाइज मुझे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाहर से अच्छा एप्पल लेके आते हो, जैसे ये सभी अच्छे एप्पल हैं, बट अंदर से कट करने के बाद उसमें लार्वा या कोई इंसेक्ट आपको मिलता है, बट ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है। मैंने ऑलमोस्ट ये सारे एप्पल ट्राई किए हुए हैं, बट करने के बाद ये उतने ही फ्रेश होते हैं जितने कि ये बाहर से अभी हमें दिख रहे हैं। और ये कुछ एप्पल हैं जो कि प्री वेटेड काइंड ऑफ हैं, मतलब इनका वेट उन्होंने पहले से मेजर करके रख दिया है। इसमें भी आपको सारी क्वालिटी मिल जाएंगी, बट ये है कि अभी आपको ये जो पैकेट में रखे हुए एप्पल हैं आपको वही पिक करना है। आप मैनुअली जाके कोई हाथ से हैंड पिक्ड एप्पल नहीं उठा सकते हो कि मुझे एक या दो चाहिए। अगर आपको पैकेट में लेना है तो आपको पूरी वही क्वांटिटी और वही पीस लेने होंगे। क्वालिटी इनकी भी अच्छी होती है। अब सेकंड ये है ऑरेंजेस, कीवी, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज होती है एंड अगेन क्वालिटी वाइज नो कॉम्प्रोमाइज। अब क्विकली देखते हैं कि ग्रेप्स की क्या प्राइस मिल जाती है यहाँ पे। तो यहाँ रेड, ग्रीन और ब्लैक सारे ग्रेप्स मिल जाते हैं, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक या सीड के साथ या सीडलेस, जो भी आपको चाहिए वो सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल ये जो भी हमें रेड सीडलेस ग्रेप्स दिख रहे हैं उनकी अप्रॉक्स प्राइस INR में 250 रुपीज़ होगी, क्योंकि डॉलर में ये अप्रॉक्स $3 है। तो ऐसे ही आपको जो डिफरेंट डिफरेंट है, थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ, 50 सेंट से $1 के वेरिएशन के साथ हमको ये सारे सी ग्रेप्स जो हैं वो मिल जाते हैं। बनाना काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं और अच्छी साइज़ के भी अवेलेबल होते हैं, जैसे ग्रीन बनानास, रेड बनाना, बेबी बनानास। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं सबके और प्राइस भी वेरी करती है यहाँ पे। और यहाँ पे ये पर पीस के हिसाब से नहीं बल्कि वेट के हिसाब से मिलेंगे। जैसे कि अभी हम ये देख रहे हैं पर LB का प्राइस $2 है, जो कि 160 to 170 रुपीज़ होगा। ये है पियर्स, और अगेन हमने इतनी सारी वैरायटी देख ली थी एप्पल की, बट फिर से कुछ और वैरायटी, जैसे ये पिंक लेडी है, कुछ टेबल टॉप भी होते हैं। तो एप्पल की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। लेमन है, ये कुछ लेमन की भी वैरायटीज अवेलेबल है। तो रफली $1 के दो एप्पल, दो लेमन भी मिल जाते हैं हमको। और थोड़ा बहुत आप कहाँ से ले रहे हो, अगर आप थोक के भाव में लेते हो तो वहाँ पे भी आपको अच्छी डील मिल जाती है। बट ये मैं एक अप्रॉक्स प्राइस बता रही हूँ कि क्या क्या वैरायटी मिलेगी और रफली। और जब हम इनिशियली आते हैं यहाँ पे तो हम सब चीज़ों के प्राइस जो है वो INR में, मतलब रुपीज़ में देखते हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि 50 रुपये का एक नींबू, यार ये बहुत महंगा है, बट धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है। ये है ऑरेंजेस, ऑरेंजेस की भी काफ़ी वैरायटीज़ हैं। मुझे पर्सनली
मैंड्रिन जो ऑरेंजेस होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, स्वीट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे अभी ये जो ऑरेंजेस हैं कैलिफोर्निया के, उसमें ये जो पैकेट अभी दिख रहा है वो $5 का है, मतलब कि INR में वो 400 रुपये के पड़ने वाले हैं आपको ये पूरा पैकेट ऑरेंजेस का। पाइनएप्पल भी इजीली मिल जाते हैं, वाटरमेलन, कैंटलॉप, इन सब की भी वैरायटीज अवेलेबल हैं। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है कि जैसे आप फार्मर्स मार्केट, स्प्राउट्स जो स्पेसिफिक प्लेसेस होते हैं फ्रूट्स के लिए, अगर आप वहाँ से खरीदते हो तो क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई एम श्योर आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड मैं जल्दी ही वेजिटेबल एंड पैकेज्ड फूड एंड सैलड से रिलेटेड एक और वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।